हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई सीरीज में। तो ये लिंक्डइन की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लिंक्डइन पे काम करने वाले हैं, लिंक्डइन का क्लोन बनाने वाले हैं। ठीक है, फायरबेस के साथ बनाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लिंक्डइन का मैंने एक छोटा सा कोशिश करी है आइकन बनाने की। तो यहाँ पे हमने आइकन बनाया है, हमने iOS पे भी रन कराया है। ठीक है, और उसके अंदर भी सेम आइकन हमने लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो अभी हमने सिर्फ इस वीडियो के अंदर हम होम पेज पे होम पेज डिजाइन करेंगे, जिसमें हमने ये देखो बॉटम नेविगेशन बनाया है, जैसे लिंक्डइन में है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ हेडर वगैरह बनाया है लिंक्डइन की तरह, और ये कुछ यूआई बनाई है। ये इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीज़ें देखेंगे हम, और लोगो बना के देखेंगे। जो भी हमारा ऐप आइकन है, वो हम कैनवा की ऐप से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आइकन प्लस ये होम डिजाइनिंग हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, और नेविगेशन भी लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे और फायरबेस का कनेक्शन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप यूआई हमने बनाई है। तो यूआई अगर आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, तो कमेंट में बताना। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करी हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लिंक्डइन, जैसे ये आप देख सकते हो, अभी तो सिंपल सा ऐप है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिज़ाइन करेंगे, वो लिंक्डइन क्लोन हम बना रहे हैं, तो लिंक्डइन का सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे लोगो। तो आप लोगों को मैं लोगो डिज़ाइन करना भी सिखा देता हूँ। ठीक है, मैं कैनवा यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं कैनवा यूज़ करूँगा, तो मैं अपने कैनवा के जो मैंने लॉगिन कर रखा है, जहाँ से मैं अपने GTO के सारे टेम्पलेट्स वगैरह बनाता हूँ, थंबनेल्स बनाता हूँ, यहीं पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ चल के क्रिएट लोगो पे चलो, और यहाँ जाके हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा मैंने डिजाइन लिया इस तरीके से। ठीक है, और इसको वो कलर दे देते हैं जो लगभग हम लिंक्डइन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। लगभग हमें एग्जैक्ट मुझे कलर नहीं पता है, बट हम एक अंदाज से एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बीच में हम इस तरीके से लिख देते हैं, जो लिंक जैसे लिंक्डइन के अंदर लिखा हुआ है वैसे हम लिखने वाले हैं। ओके, और इसको कलर दे देते हैं वाइट, और इफेक्ट में थोड़ा सा हम दे देंगे इसको क्या, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ये हमारा लिंक्डइन का क्लोन बन जाएगा। इसमें छोटा सा एक चीज़ और ऐड कर देंगे, क्योंकि हम क्लोन बना रहे हैं, तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक क्लोन नाम का वर्ड भी यूज कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगो बनाएंगे। अब बात करते हैं यार, कैसे क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मैंने एक ये बनाया, और मैं प्ले स्टोर और ऐप स्टोर वाले आइकन जनरेट करूँगा, जिसे मैं अगर डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ, तो मेरा लोगो वहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, जस्ट मैंने डाउनलोड किया इसको। ओके, और यहाँ चलते हैं क्रिएट जनरेट ऐप आइकन, ऐप आइकन में चल के ऐप जनरेटर, ऐप आइकन जनरेटर ये साइट है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, जो भी हमारा फाइल डाउनलोड हुई है इस टाइम पे, जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई है, उस फाइल को उठाएंगे और यहाँ पे कर देंगे क्या, ऐड। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे हमें करना है, इसको हमें, ठीक है, हमें यहाँ पे डालना है, यहाँ डाल दिया हमने, और इसको कर दिया जनरेट। जनरेट करा तो हम यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करते हैं, और ओपन फोल्डर के अंदर हमें कुछ आइकन्स मिल जाएंगे, जो हमारे ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये एंड्रॉयड के हैं वैसे। ठीक है, तो हम सर्कल वाले ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं एंड्रॉयड के अंदर कौन सा ऐड करूँगा, ये वाला। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली उठाऊँगा, कॉपी करूँगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलूँगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट में हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले हमारा है इसके अंदर एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के अंदर हम चलेंगे ऐप, ऐप के अंदर सोर्स मेन, और यहाँ पे रिसोर्सेस और ड्रॉयबल के अंदर मैं इसको डाल दूँ। ठीक है, ऐप स्टोर डॉट PNG। ठीक, और जो हमारी iOS वाली फाइल है, तो जो हमने डाउनलोड करी थी, यहाँ चलते हैं, और इसके अंदर मेरे को सॉरी, इसके अंदर मुझे ना ये वाला फोल्डर मिल जाएगा, ये वाला मैंने उठाया। ठीक, और उठा के चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, इसमें iOS, iOS में जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, उसके अंदर इमेज एसेट्स, और मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट रिप्लेस। ठीक
ठीक है भाई, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ऐप को फिर से रन कर लेता हूँ, रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड। ऐसे करेंगे तो हमें जो करेंटली फिलहाल हमारा जो यहाँ पे जो भी हमारा दिख रहा होगा उसका हमारा आइकन चेंज हो जाना चाहिए। उससे अभी चेंज नहीं होगा, एक चीज़ और मुझे शायद करनी पड़ेगी जो मैं भूल रहा हूँ। रीज़न क्या है कि हमें यहाँ पे जो हमारा एंड्रॉयड के अंदर जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल है उसके अंदर हमें ऐप का जो हम लोगो यूज़ कर रहे हैं मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पे उसका हमें यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? मिप मैप में है अभी, तो मैं यहाँ पे ड्राइवर लगा दूँगा। ठीक है, और ऐप उसका नाम क्या है, ऐप स्टोर, इस तरीके से। ठीक, सेम कॉपी कर लो। ठीक है, अब हम एक बार फिर से रन करके और देखते हैं कि हमारा ये आइकन आता है या नहीं आता है। फिर हम आईओएस का चेक करेंगे, देन हम फिर यूआई पे काम स्टार्ट करेंगे, अपने यूआई का प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर उसको सेटअप करेंगे। ठीक है भाई, तो आई थिंक यहाँ पे हम देखेंगे जब इसको ऐप को क्लोज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लिस्ट है हमारी उसमें देखो ये लिंक्डइन क्लोन यहाँ पे आने लग गया है। ठीक है, और अब हम सेम चीज़ को हम क्या करते हैं आईओएस के लिए रन करते हैं। तो आईओएस में हम करते हैं रिएक्ट नेटिव रन आईओएस। मेरा आई थिंक जो सिमुलेटर है वो 13 वाला ओपन है, तो मेरा इसके अंदर 13 वाले के अंदर मेरा क्लोन का ऐप आइकन आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, यहाँ कहीं पे आना चाहिए। अभी बिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। थोड़ा सा टाइम और, थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम में आवेश, थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा लाइक वीडियो को पॉज कर देता हूँ और रिज्यूम कर। ओके, तो ये रन हो गया। जैसे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से जब बैक करता हूँ तो यहाँ पे परफेक्टली लिंक्डइन का क्लोन इस तरीके से दिख रहा है, हमारा आईओएस के अंदर बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आईफोन के अंदर, ये एंड्रॉयड के अंदर थोड़ी डिपेंडेंसी होती है कि यहाँ पे राउंड वाला दिखेगा, बट हमारे हमने राउंड वाला डाला नहीं है, तो हम जब मिप मैप के अंदर डालते हैं तो वो दिखने लग जाएगा। फिलहाल मैंने ऐप आइकन डायरेक्टली ऐड कर दिया, इस वजह से नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, प्रोजेक्ट का सेटअप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हटाते हैं, और सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्ट नेविगेशन का सेटअप करते हैं, नेविगेटर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक भाई फोल्डर बना लो, क्या SRC, और SRC के अंदर हमें एक फाइल लेनी है, बट उससे पहले मैं रिएक्ट नेविगेशन के जो भी डिपेंडेंसीज उन्हें करना इंस्टॉल। तो चलते हैं रिएक्ट नेविगेशन की साइट पे। तो अगर आपने पहले मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखा है जिसमें रिएक्ट नेविगेशन का सेटअप किया, तो इस वीडियो से आप जान सकते हो। रिएक्ट नेविगेशन की साइट है reactnavigation.org, यहाँ से हम रीड डॉक्स पे क्लिक करेंगे, और इंस्टॉलेशन है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में सारी चीज़ बता देगा कि क्या वर्जन है, क्या एक्सपो के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये होनी चाहिए मिनिमम, ये होना चाहिए, है ना। और हम करेंटली अच्छा खासा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 7.0.71 समथिंग, तो ये हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे NPM का ये जो हमारा NPM इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव वाला, ये नेटिव वाले जो पैकेज है इसको हमें इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे चलकर हमें जस्ट इंस्टॉल करना है। कॉपी एंड पेस्ट वाला सिस्टम है। ठीक है, यहाँ हमने पहले कॉपी कर लिया, अब इसके बाद हमें इसके कुछ सपोर्टिंग पैकेजेस और करने हैं, तो ये वाला है, तो इसे इससे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, इन्हें पेस्ट करने के बाद कुछ डिपेंडेंसी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ड्रॉवर नेविगेशन भी बनाना है ना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले तो मुझे स्टैक बनाना पड़ेगा ऐप नेविगेटर के लिए, तो मुझे यहाँ पे
स्टैक वाला करना पड़ेगा, ठीक है। देन मुझे ड्रॉअर के लिए, तो ड्रॉअर के लिए है रिएक्ट नेविगेशन ड्रॉअर, ठीक। और उसके बाद हमें एक और जरूरत पड़ेगी, npm install react native gesture handler, ठीक है। ये भी इंस्टॉल हो गया। अब हम प्रोजेक्ट को सबसे पहले मैं iOS में भी रन करना है, तो cd iOS और pod install, सारी डिपेंडेंसीज के पॉड यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगी सारी डिपेंडेंसीज iOS के साथ, ठीक है। बैक रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, ठीक है। हमने रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड कर लिया, तो नेटिव रिएक्ट नेटिव रन आईओएस भी करेंगे साथ में। तो यहाँ पे जो हमारा एंड्रॉइड ऑलरेडी रन है, आईओएस का और रन कर लेते हैं, देन हम यूआई पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इस वीडियो के अंदर हम पहले होम पेज डिजाइन करेंगे, जिसमें बॉटम नेविगेशन बनाएंगे, लेफ्ट से हम ट्राई करेंगे कि ड्रॉअर नेविगेशन भी निकल जाए, और ऊपर हेडर बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर इतना करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसे रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने डिपेंडेंसीज ऐड करी है, पॉड भी इंस्टॉल करें तो बिल्ड हो गए दोबारा से, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, रन हो गया, तो रन हो गया है, तो ये लॉन्च होगा। लॉन्च होने के बाद ये देखो एप्लीकेशन इस तरीके से आ गया है, और यहाँ पे हमारा आईओएस, एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों साथ में, ठीक है। यहाँ पे आईओएस और एंड्रॉयड है। अब हम इसको यहाँ पे साइड में इस तरीके से सेट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। तो यहाँ पे चलते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, और जैसे हमने फोल्डर src ऑलरेडी बना रखा है, तो इसके अंदर हम फाइल बना सकते हैं ऐप नेवी गेटर डॉट js। इसको बना के साइड में इस तरीके से कर लो, rnfe करो, ठीक है। rnfe करके ये फोल्डर मैंने ऐप नेविगेटर का एक बेसिक सा कंपोनेंट बना लिया। इसे कॉल कहाँ करेंगे हम, इस कंपोनेंट को कॉल कर देंगे हम ऐप डॉट js के अंदर। तो ऐप डॉट js के अंदर जितना भी फालतू का कोड है उस सबको हटाओ और एक बेसिक सा कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट बना लो, ठीक है। बेसिक सा फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया, और इसको यहाँ से व्यू को हटा के जस्ट वही कॉल कर लो ऐप नेविगेटर, और करो सेव। तो आप देख सकते हो दोनों में सेम चल रहा अभी तक, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे साइड में कर देते हैं इस तरीके से, और इसको कूल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐप नेविगेटर बना लिया, तो ऐप नेविगेटर के अंदर हमें ये सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने स्टैक ऑलरेडी बनाया, तो यहाँ पे स्टैक इंस्टॉल किया हमने, तो यहाँ पे स्टैक के लिए हमें क्रिएट स्टैक नेविगेटर यूज करना पड़ेगा, तो वो हमने यूज़ कर लिया। अब क्या करेंगे, जब ऐप नेविगेटर करेंगे तो यहाँ पे हमें नेविगेशन कंटेनर चाहिए होता है। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि नेविगेशन अगर हमें करना है तो नेविगेशन कंटेनर इज मस्ट, और वो एक ही बार हम ऐप के अंदर डालते हैं, वो भी रूट में। तो यहाँ पे हमने ये रूट है हमारा एक तरीके से, इसके अंदर नेविगेशन कंटेनर डाल दिया। यहाँ पे जो हमने स्टैक ऊपर बनाया है उसका एक पार्ट है नेविगेटर, नेविगेटर के अंदर हमें स्टैक डॉट स्क्रीन लेना पड़ेगा, और ये स्क्रीन्स मल्टीपल हो सकती है, नेविगेटर सिंगल रहेगा, ठीक है। तो स्क्रीन के अंदर हमें प्रॉप्स यूज करते हैं। प्रॉप, पहला प्रॉप होता है नेम, दूसरा प्रॉप होता है कंपोनेंट, और तीसरा प्रॉप होता है ऑप्शंस, इस तरीके से, ठीक है। नेम के अंदर हमें नेम डालना पड़ता है उस पर्टिकुलर स्क्रीन का, कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर स्क्रीन को हमें कॉल करके यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, और ऑप्शंस के अंदर जो भी हम उस पर्टिकुलर स्क्रीन के हेडर वगैरह जो भी प्री प्रॉपर्टीज हैं उनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर हम रखते हैं स्क्रीन्स,
और स्क्रीन के अंदर सबसे पहली स्क्रीन हम रखेंगे main.js और इसको rnfe करके भाई सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे मैन को, और यहाँ पे मैन वाले कंपोनेंट को कॉल करके यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट कर लिया और मैंने कंपोनेंट के अंदर मैन वाले को दे दिया। ठीक है, नेविगेशन के अंदर ये वाला नाम यूज करते हैं तो ये नाम जो है वही नेविगेशन के अंदर में यूज करना है सेम। ठीक है, और ऑप्शंस के अंदर हम फिलहाल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं हेडर सोन को फॉल्स कर दिया। ठीक, और इसको करा मैंने सेव और फॉर्मेट, इस तरीके से आ गया भाई। ठीक है, जब इस तरीके से आ गया तो नेविगेटर के अंदर हमारी पहली एक स्क्रीन ऐड हो गई है। जब स्क्रीन ऐड हो गई है तो यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखो मैन आ रहा है। ठीक है, मैन आ रहा है और यहाँ पे मैन आ रहा है, तो अब इस मैन वाले पे हम करते हैं काम, जहाँ पे मैं बनाना बॉटम नेविगेशन और साइड ट्रस्ट। ठीक है, ओके, तो ओके, तो यहाँ पे पहले हम बनाते हैं बॉटम नेविगेशन, साइड ड्रॉअर हमारा सेकंड में रहेगा क्योंकि सेकंड तो यहाँ पे मतलब पहले हमें बॉटम नेविगेशन बनाना पड़ेगा, उसकी स्क्रीन्स बनानी पड़ेगी तब साइड ड्रॉअर। तो पहले हम बॉटम नेविगेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल सीट डॉट क्रिएट क्रिएट, और इसके अंदर मैंने कंटेनर ले लिया कंटेनर, और कंटेनर के अंदर फ्लैक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल को हमारा जो स्टाइल है इसको स्टाइल्स दे दो, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, इस टेस्ट को यहाँ से हटाओ, और हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे बनाएंगे एक्चुअली हेडर तो मैं नहीं चाहिए क्योंकि हेडर हर स्क्रीन का अलग अलग हो सकता है, तो हमें बॉटम ही बनाना है फिलहाल। तो मैंने एक व्यू ले लिया यहाँ पे और इस व्यू को हमने स्टाइल दे दिया स्टाइल्स डॉट बॉटम व्यू, और यहाँ पे बॉटम व्यू को दे दो स्टाइल, तो बैकग्राउंड कलर मस्ट बी वाइट, एलिवेशन ऑफ 5 शेडो, कलर 000 शेडो ऑफसेट, जीरो एक इस तरीके से, और इस व्यू की हाइट 70 विथ 100% पोजीशन और एब्सोल्यूट बॉटम 0 इस तरीके से। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो हम, ये हमारा एंड्रॉयड का बॉटम है, ये हमारा iOS का बॉटम है। ठीक है, ये शैडो ओपेसिटी ऑफसेट वगैरह और शैडो रेडियस भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ करा मैंने, क्योंकि iOS के अंदर जो है हमारा क्या काम नहीं करता, एलिवेशन काम नहीं करता, तो उसमें हमें शैडो इस तरीके से देनी पड़ी, तो हमें ये यूज़ करना पड़ा ये कोड, और एलिवेशन जो है वो हमारा यहाँ पे iOS के लिए है। ठीक है, एंड्रॉयड के लिए है, तो एंड्रॉयड में इस तरीके से काम करेगा। अब ये भी हमने जब बना लिया है तो इसमें एक चीज़ हमें देनी है, वो क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं, फ्लैक्स और डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन में हमें रो देना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली और अलाइन आइटम सेंटर, ये क्यों दिया है मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉटम के अंदर मल्टीपल टैब्स बनाने हैं ना मल्टीपल, तो यहाँ पे 5 अगर बनाने तो वो कुछ फिक्स और इवन स्पेस में डिवाइड होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी दी जस्टिफाई कंटेंट, और ये सारे वर्टिकली सेंटर में होना चाहिए तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी दी है। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन रो, क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट सारे आइकन्स को सेट करना। ठीक है, तो सबको हमें क्या करना, टचेबल टचेबल ओपेसिटी मुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है, टचेबल ओपेसिटी ले ली, और इसका हम इसको स्टाइल दे सकते हैं, और स्टाइल में हम इसको लिख सकते हैं भाई स्टाइल्स डेट बॉटम टैब। ठीक है, बॉटम टैब अभी यूआई सबके लिए सेम रहेगी, तो बॉटम टैब को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, विथ में हम 20% लेने वाले हैं और हाइट 100% जितनी भी है, एक्चुअली इस तरीके से 100% नहीं देते इसमें, इस तरीके से देते हैं। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर
अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है भाई। इस तरीके से हम ये यूज़ करने वाले हैं बॉटम। और इसके अंदर हमें क्या इमेज यूज़ करने पड़े, तो इमेज यूज़ करने से पहले हर टैब के अंदर इमेजेस होंगी, तो मुझे इमेजेस मैंने कुछ डाउनलोड करी है तो वो इमेजेस मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी एंड अपने फोल्डर एक बना के प्रोजेक्ट के अंदर उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी इमेजेस हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, ये सारी इमेजेस हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे। तो एक अपने फोल्डर में चलते हैं लिंक्डइन को, यहाँ पे SRC, और इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस, और इसके अंदर सारी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इनके नाम थोड़े बहुत हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे इसका नाम ओनली होम होना चाहिए, ठीक है, और इसका नाम एड, इसका नाम नोटिफिकेशन, ठीक, इसका नाम इवेंट, इसका नाम चैट, पोस्ट, ग्रुप, लेआउट, फोटो, और यहाँ पे इसका नाम मैंने जॉब्स, ठीक है। तो मैंने कुछ सिंपल से नाम रख लिए जिससे हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस, इमेज को करना पड़ेगा इंपोर्ट, सोर्स रिक्वायर, और फिलहाल के लिए मैं एक को अभी मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कोड सही से विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से इमेजेस, और इमेजेस के अंदर होम डॉट png, इसको स्टाइल दे दिया, और स्टाइल के अंदर मैं स्टाइल्स यूज करूंगा, और यूज करूंगा बॉटम टैब इमेज, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। बॉटम टैब इमेज की हम ये कॉपी करते हैं नेम, और यहाँ पे इसको दे देते हैं अपनी स्टाइलिंग। तो बिथ रखेंगे 24, हाइट 24, ठीक है भाई, और इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक होम दिख रहा है। फिलहाल हम इसको करेंगे यहाँ पे, इसको 5 बार हम करेंगे कॉपी, 3 4 5, और हमें यहाँ पे 5 आइकन दिखने लगे, ठीक है। जब 5 आइकन हमें दिखने लगे तो हमें चेंज आइकन करने हैं। तो सबसे लास्ट वाला जो आइकन है वो है हमारा जॉब्स का, फिर है नोटिफिकेशन, ठीक है, ऐड, ऐड के बाद है ग्रुप और होम। तो ये इस तरीके से हमारे कुछ आइकन्स हैं जो हमने लिंक्डइन के अंदर लगभग लगभग यूज किए हुए हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से आइकन मिले, ठीक है। इनका कलर हम चेंज करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें जो स्टाइल हमने लिए इसको हमें एरे ऑफ स्टाइल देना पड़ेगा, क्योंकि क्लिक पे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे टिंट कलर उनका नहीं दिया है, यहाँ पे दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिंट कलर इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, लाइट कलर। जब जो करेंट वाली जो भी होगी, ठीक है, मैं इसको पूरा स्टाइल को इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सबका सेम है। तो सारे बटन जितनी भी इमेजेस हैं सब में मैं ये डाल दूँ, ठीक है। ये वाला, ओके, तो सब इस तरीके से लाइट दिखने लग गए। अब मुझे क्या करना है, इन पे क्लिक इफेक्ट दिखाना है, और मुझे इसके लिए ये भी जितनी भी चेंजेस होंगे वो सबकी स्क्रीन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में, यहाँ पे स्क्रीन्स ले लिया, इमेजेस ले लिया, एक फोल्डर और बनाते हैं जिनको हम बोल सकते हैं टैप्स, ठीक है। और टैप्स के अंदर हम 5 स्क्रीन लेंगे। तो पहली हो गई होम डॉट js, RNFE करके इसको सेव करो, और जल्दी से इसको फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट कोड करो इसका। फिर दूसरी स्क्रीन होगी हमारी कनेक्शंस डॉट js RNFE, क्योंकि लिंक्डइन के अंदर क्या है कनेक्शंस, तो हम कनेक्शन फ्रेंड्स की जगह पे कनेक्शन हम बनाएंगे, ठीक है। फिर एड डॉट js RNFE, ठीक। फिर है नोटी फिकेशन डॉट js RNFE, और लास्ट वाला है हमारा जॉब्स डॉट js RNFE करके, और इसे मैंने कर लिया सेव। तो सारे लगभग सेम हो गए, अब सेव हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड है मैन डॉट js, यहाँ पे हमें क्या करें, यहाँ पे एक ऊपर सबसे पहले तो एक स्टेट ले लो, है ना, कॉन्स्ट सेलेक्टेड
टैब सेट सेलेक्टेड टैब, स्टार्टिंग में जब डिफॉल्ट में क्या होगा भाई, जीरो होगा, ठीक, स्टार्टिंग में जीरो, तो मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया। अब मैं डालनी पड़ेगी यहाँ पे टर्नरी कंडीशन कि अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल टू जीरो है तो भाई दिखना चाहिए हमें कौन सा होम, तो मैंने ये डाल दिया। अब अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल टू वन है तो हमें दिखना चाहिए क्या, कनेक्शंस, कनेक्शंस, तो मैंने डाल दिया ये। अब अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल टू है टू तो हमें दिखना चाहिए ऐड, तो ये दिख गया भाई, ठीक है। मैंने लगा दी फिर से कंडीशन और मैंने इसको इस तरीके से कर, और अब अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल्स टू है थ्री तो मुझे दिखना चाहिए नोटिफिकेशन, ठीक। और इसके बाद अगर सबसे लास्ट में जाना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल देता हूँ उस कंपोनेंट को, और उसको हम बोलते हैं जॉब्स, लो भाई, ठीक है, हो गया क्लियर, बिल्कुल कंडीशंस लग गई सारी। नोटिफिकेशन 0 1 2 3 कितनी हुई है स्क्रीन, होम कनेक्शन ऐड नोटिफिकेशन और जॉब। ये नोटिफिकेशन आई थिंक गलत कॉल हो गया है कुछ, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन, ठीक है भाई। अब हम देख सकते हैं कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी कुछ नहीं हो रहा, रीजन क्या है क्योंकि हमने क्लिक इफेक्ट नहीं लगाया, यहाँ पे क्लिक नहीं लगाया, तो ऑन प्रेस यहाँ कॉल करो और जल्दी से हर किसी पे सेट कर दो सेट सेलेक्टेड टैब को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जीरो लिया तो ये ऑन प्रेस, इसमें वन टू थ्री फोर, ठीक है भाई, तो यहाँ पे सेट हो गए। अब जो भी सेलेक्टेड है, जैसे मान लो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो देख सकते हो कनेक्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो ऐड आ रहा है, पर ये प्रॉपर तरीके से हमें जो भी सेलेक्ट करें उसका कलर हमें चेंज करना है ना, तो यहाँ पे जो हमने ये टिंट कलर लिया, यही तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि सेलेक्टेड कलर अगर फोर आ रहा है टैब तो हमें करना पड़ेगा इसे ब्लैक, वही चाहिए। तो हमें क्या करना है, कंडीशन को करना है ये वाली कंडीशन, इतना मुझे इतना कोड कॉपी करना है, और जितनी भी जगह हमने ये करा इसको पेस्ट करो और यहाँ पे सिर्फ चेंज करो इस टैब को, ठीक है। ठीक है, ट्राई करें भाई। अभी देखो ऐड पे क्लिक है, करेंटली तो ऐड दिख रहा है, मैंने होम पे क्लिक करा तो होम ब्लैक हो गया और ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब ये परफेक्टली ये तो काम कर रहा है, बट एक्चुअल में लिंक्डइन में आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऊपर एक इंडिकेटर भी आता है, इंडिकेटर लाइन आती है कि जो भी सिलेक्टेड है तो इंडिकेटर लाइन कैसे आएगी, वो हमें देखना है ना। और यही सेम चीज़ अगर हम iOS में देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो परफेक्टली ये भी सही काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो UI भी प्रॉपर तरीके से सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसको, हमें इंडिकेटर दे रहा है, ऊपर का इंडिकेटर कैसे आएगा, तो ऊपर का इंडिकेटर आएगा भाई, यहाँ हमने जो 20% करा है ना, जो हमने बॉटम जो टैब लिया उसको 20% करा है, उसको कर दो 15% और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। और मुझे क्या करना है, जो भी सेलेक्टेड है उसका मुझे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे टिंट कलर दिया है, एक प्रॉपर्टी और देनी है, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, बॉर्डर टॉप विथ वन, ठीक है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर टॉप विथ वन टू कर दिया मैंने, टॉप विथ टू, ठीक है। और इसकी जो भाई जो हाइट है ना, हाइट वो 100% ना करके 98% कर दो, अभी तो नहीं आया कुछ, बॉर्डर टॉप बॉर्डर टैब के अंदर ही करेंगे ना, मैंने कहीं गलत जगह तो नहीं कर दिया, अच्छा अच्छा मैंने यार इमेज के अंदर कर दिया, ये हटाओ इसको यहाँ से, इमेज में नहीं करना है हमें, इसमें करना है,
तो यहाँ पे स्टाइलिंग डबल होगी, मतलब एरो ऑफ स्टाइल हमें यहाँ यूज करना है किसके अंदर, टचेबल के अंदर। तो भाई यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बॉर्डर टॉप विथ वन, कहीं फर्क दिखा? हाँ ये देखो लास्ट वाले में देखो, ठीक है। तो यहाँ पे टू कर दो या फिर और कर दो थोड़ा सा थ्री, ठीक है भाई, प्रॉपर इस तरीके से। अब हमें कंडीशन कौन सी लगानी पड़ेगी, ये कंडीशन जैसे इस तरीके से, अगर ये है सेलेक्टेड है थ्री अदरवाइज जीरो, तो ये बस हमें कॉपी करना है कहाँ पे, ये पूरी स्टाइल कॉपी कर लो और जितनी भी जगह हमने ये सेलेक्ट बॉटम टैब यूज करा है वहां जाओ, बस यहाँ पे थ्री करो, टू करो, वन करो और लास्ट वाला जो है हमारा ये वाला इसमें करो जीरो भाई। बस अब हम देख सकते हैं जहां पे हम क्लिक करेंगे वहीं पे जाएगा ये, परफेक्ट। तो आपने लिंक्डइन में देखा होगा ऐसा परफेक्ट काम कर रहा है ये, ठीक है। अब भाई ये हो गया, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फ्रंट, पहला होम पेज बनाना है तो हमें यहाँ पे एक हेडर चाहिए और कुछ इस तरीके से यूआई, ठीक है। तो होम पेज का थोड़ा सा हम यूआई बना लेते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। तो चलते हैं अपने home.js पे और यहाँ चल के लेते हैं सबसे पहले const styles equals to style sheet dot create और create के अंदर ये, और यहाँ पे ले लेंगे container, container के अंदर flex one और ये हो गया भाई हमारा ये। यहाँ से text हटाओ और इसको style styles dot container, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज हमारा व्यू लेना हमें और व्यू को हमें यहाँ स्टाइल देनी है, क्या स्टाइल्स डॉट हेडर, ठीक है, क्योंकि हेडर लगभग हर एक टैब के अंदर चेंज रहेंगे इसलिए हेडर हम यहीं के यहीं बना रहे हैं, नहीं तो हम कॉमन बना लेते हैं और कॉमन बनाएंगे तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हाइट रखनी है 60, विड्थ रखनी है 100% और एलिवेशन सेम चीज़ हम जो हमने वहाँ यूज़ करा था वो ही जो हमने मेन के अंदर जो हमने यूज़ करा था वो जो एलिवेशन एंड शैडो वगैरह, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ भी कॉपी करते हैं और अपने होम में चलते हैं और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एलिवेशन भी 5 यूज़ करेंगे और बैकग्राउंड कलर भी हम यूज़ करेंगे वाइट। तो भाई इस तरीके से हमें दिखने वाला है हेडर, ठीक है। अब अगर चाहो तो थोड़ा सा कम कर लो, इसको 3 कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ओके। अब हम अगर हेडर को देखते हैं तो हेडर में दो चीज़ें मिलती हैं, ऊपर सबसे ऊपर मिलता है हमें लेफ्ट साइड में हमारा आइकन, ठीक है, प्रोफाइल, उसके बाद बीच में सर्च और राइट साइड में हमें चैट का बटन दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें करेंगे तो हेडर के यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, क्या फ्लेक्स डायरेक्शन रो और भाई रो और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट क्या रहेगा, स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर, ओके, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले डालते हैं हम एक डेमो, हमारे पास आई थिंक मैं डाउनलोड फाइल के अंदर देखता हूँ मैंने कोई डेमो प्रोफाइल वगैरह का आइकन डाउनलोड कर रखा है कि नहीं, क्योंकि मैंने इस फोल्डर में तो डाला नहीं है। तो मैं कहीं से अभी देखता हूँ इसके अंदर मुझे कुछ मिल जाए, डॉक्टर, ओके ये मिल गया मुझे यूजर, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और लिंक्डइन क्लोन में एसआरसी के अंदर में जो मैं यूजर और पीएनजी डाल देता हूँ, ठीक है भाई, ओके। और एक चीज़ और डालनी है वो साथ में ही डाल देता हूँ, देखते हैं हमें कहीं सर्च वगैरह मिल जाए, तो ये मैं एक्चुअली भूल गया, नहीं तो मुझे सेम टाइम पे डालना चाहिए था, ये रहा सर्च, तो मैं सर्च को भी कॉपी एंड लिंक्डइन क्लोन एसआरसी इमेजेस सर्च और इसका नाम मैं सर्च ही रख देता हूँ ओनली सर्च, ठीक है भाई,
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी लेता हूँ मैं, और इसके अंदर इमेज डालता हूँ, सोर्स इमेज को मैं फिर से करता हूँ इंपोर्ट, सोर्स रिक्वायर इमेजेस यूजर डॉट पी एन जी। ठीक है, तो ये इमेज बाद में जब हम फायरबेस का सेटअप करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये फायरबेस जब हम इमेज अपलोड करेंगे, अपनी पर्सनल प्रोफाइल अपलोड करेंगे, तो ये यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगी, फिर वो जो डेटाबेस में होगी वो आएगी। ठीक है, तो ओके, विड्थ को हमें रखना है 40, हाइट 40 एंड बॉर्डर रेडियस 20 भाई। ये पहुँच गई अपने एरिया पे, ओके ठीक है। ये जो हमने व्यू रखा है इसको पैडिंग लेफ्ट 20 कर सकते हैं और पैडिंग राइट 20, जिससे मुझे मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी ये सेटल रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने इमेज यूज़ कर ली, मैंने ये कर लिया, मुझे एक बनाना पड़ेगा व्यू, इस व्यू को हम बोल सकते हैं स्टाइल दे देंगे, और स्टाइल्स का नाम हम क्या रख सकते हैं, सिमिलर रखना हमें, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि हमने क्या बनाया था यहाँ पे, है ना, कोई दूसरा भी कोड देखता है तो उसे समझाना, तो यहाँ बोल सकते हैं सर्च बॉक्स। ठीक है, ओके, तो सर्च बॉक्स को यहाँ पे बना लेते हैं, इसकी विड्थ हम रखेंगे 60%, हाइट रखेंगे 70% जो भी हाइट है, और बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे लाइट सा, अभी यहाँ ब्लैक मैंने क्यों दिया रीजन बताता हूँ मैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से कोड दे देते हैं ना, तो यहाँ पे हमें ये इस तरीके से दिखाई लगता, फिर हम अपना लाइट सा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा और लाइट चाहिए हमें कुछ इस तरीके से, हमें बस वाइट नहीं चाहिए, लाइट जितना भी हो जाए ना, कुछ इस तरीके से हमें चाहिए, और ये हो गया। फिर उसके बाद हमें बॉर्डर रेडियस देना है तो 10 दे दिया, ठीक है, और इसको जो हमने विड्थ 60 दी है उसको 70 कर दो, परफेक्ट। अब मैं क्या करना है, जैसे ये हमारा व्यू बन गया, इसके बाद हमें ये जो टचेबल ओपेसिटी वाला जो बटन है उसको मैं राइट साइड में भी डालना, और इसको हमें देना इमेज का नाम चैट, तो हमें कुछ इस तरीके से मिल गया। अब ये इमेज थोड़ी सी कट रही है तो मुझे यहाँ पे रिसाइज मोड यूज़ करना पड़ेगा, और रिसाइज मोड में हमें कंटेन, तो आई थिंक कंटेन चैट, ओके ये राउंड है तो मुझे ये यूज़र आइकन की नहीं यूज़ करना है, तो मैं क्या करता हूँ इसको स्टाइल्स यूज़र आइकन हटा के आइकन ले लेते हैं, और इस आइकन को यहाँ पे हम दे देते हैं साइज, अगर आइकन और भी कोई आएगा दूसरा इस तरीके से तो हम उसे विथ 24 हाइट 24, तो भाई ये हो गया हमारा आइकन 24 के, यहाँ पे आप चाहो तो 30 यूज कर सकते हो, अगर थोड़ा सा हमें इसे बड़ा दिखाना है तो इस तरीके से। तो हमारा बीच में देखो टेक्स्ट भी, जो हमारा सर्च वाला है वो भी सेट हो गया, उसके बीच में हमें क्या डालना है, अब हमें थोड़ा सा उसका व्यू थोड़ा सा सेट करना है, कैसे, लेफ्ट साइड में हमें चाहिए एक आई थिंक सर्च का आइकन, और देन सर्च लिखा हुआ इस तरीके से, है ना, तो मुझे यहाँ पे आई थिंक ये 70 के जगह पे मुझे 80 यूज करना पड़ सकता है, या फिर 75 इज बेटर, ओके, और जो आइकन है उसे मार्जिन लेफ्ट अराउंड 10 दे दो, ओके, और यहाँ से 70 ही रहने दो, बेटर है, ठीक है, और यहाँ पे 10 की जगह पे 8 यूज़ करो, थोड़ा सा शार्प कॉर्नर्स रहने चाहिए, और यहाँ पे 65 इज बेटर इस तरीके से, ठीक है, और जो मैंने इसकी हाइट ली है उस हाइट को करो 70, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस व्यू के अंदर मेरे को एक टेस्ट इनपुट, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, यहाँ पे सर्च बॉक्स को अंदर में जो फ्लैक्स डायरेक्शन रो करना पड़ेगा, ठीक है, और रो करना पड़ेगा, और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक आइकन दे सकता हूँ, वो सर्च का आइकन, तो यहाँ पे इमेज
सोर्स रिक्वायर, ठीक। अरे स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा सर्च में। तो मैंने यहाँ पे डाला इमेजेस और सर्च डॉट पी एन जी, और यहाँ पे सेव। मैंने बोला था कि स्टाइल का काम जरूर आएगा, तो मैं यहाँ पे स्टाइल्स डॉट आइकन यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाद मैं ले सकता हूँ एक टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, और मैंने लेके यहाँ पे इसमें डाल दिया एक इस तरीके से। प्लेस, एक्स्ट्रा कीज क्यों दब रही हैं, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के अंदर सर्च, ठीक है। इसको आइकन को मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ओके भाई, तो ये हमारा लगभग ऊपर का थोड़ा सा टेक्स्ट इनपुट हो गया। इसको मैं स्टाइल दे लेता हूँ, स्टाइल में स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट, मैंने नाम सेम ही रख दिया जिससे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा याद रहेगा। ओके, तो मैंने इस तरीके से दे दिया। अब पैडिंग लेफ्ट 20, तो मेरा सर्च इस तरीके से दिखने वाला है। फॉन्ट साइज 16, तो कुछ थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। कूल, ठीक है भाई। जो हमने व्यू बनाया था सर्च बॉक्स, उसको मैं पैडिंग लेफ्ट दे सकता हूँ 10, जिससे मेरा आइकन थोड़ा सा यहाँ दिखेगा। तो परफेक्ट दिख रहा है ये। ओके, ठीक है, तो मेरा हेडर बन गया। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है जिसमें मैं एडिटिंग का रखना, और उसके नीचे मुझे इमेज एंड देन लेआउट एंड द इवेंट, ये तीन मुझे देने होंगे लेआउट के अंदर, ठीक है। तो ओके, जल्दी से बना लेते हैं। ये हो गया भाई मेरा, यहाँ से हेडर कंप्लीट हो गया। हेडर के बाद चलते हैं अलग व्यू पे, जिसे हम बोलेंगे एडिट बॉक्स। तो मैंने स्टाइल डॉट स्टाइल्स स्टाइल्स डॉट एडिट बॉक्स। ओके, चलते हैं एडिट बॉक्स की स्टाइलिंग पे। तो एडिट बॉक्स, और यहाँ पे इसको दे दो विथ 100%, पता नहीं क्या ही हो रहा है, रॉन्ग टाइपिंग। ओके, और ये 100, ओके ठीक है। बैकग्राउंड कलर मुझे कौन सा देना है, बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ से चूज करना पड़ेगा। तो मुझे लाइट कलर चाहिए, बिल्कुल लाइट, बस वाइट ना हो। तो कुछ इस तरीके से मुझे कलर मिला। थोड़ा सा मुझे लेआउट देखने दो कैसा है लिंक्डइन का। ओके, वैसे तो वाइट ही है, बट थोड़ा सा चीजें हमें सेट करनी पड़ेंगी, कोई नहीं, करते हैं। तो इसको थोड़ा सा और लाइट करते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जो हमने इस सर्च बॉक्स की जो हाइट ली, सर्च बॉक्स की जगह पे जो हमने हेडर लिया, उसको 60 ही रखो इस तरीके, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई हमारा यहाँ पे। तो अब इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में हम एक आइकन डालेंगे, एडिट का आइकन, और उसके बाद स्टार्ट पोस्ट। तो इसकी 100 हाइट ना हो के हमें सिर्फ रखनी है 50, ठीक है। और इसको हमें रखना है फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम विथ 0.5 इस तरीके से, और बॉर्डर बॉटम कलर 88। लाइट सा कलर हो गया, थोड़ा सा इसे और लाइट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर दिख रहा है कि हाँ भाई बॉर्डर है कुछ, उसके अलावा हमें ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, वही ये हो।
ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट देना है तो यहाँ पे मैं पहले एक तो इमेज यूज कर लो, और इमेज में सोर्स रिक्वायर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर एड डेट डॉट पीएनजी स्टाइल स्टाइल्स डॉट आइकन, इसको इस तरह से रखो। क्या हुआ, एडिट की जगह पे पोस्ट, आई थिंक पोस्ट है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे जो हमने बॉक्स बनाया है उसको बनाओ अलाइन आइटम सेंटर और पैडिंग लेफ्ट 20, तो ये बॉक्स कुछ यहाँ आएगा ओके। अब दूसरी चीज, हमने ये बॉक्स लगा दिया, उसके बाद हमें चाहिए अगला कैप्शन, तो टेक्स्ट एज ए कैप्शन, तो मुझे यहाँ पे यूज करना है क्या, स्टार्ट अ पोस्ट पोस्ट, ठीक है। इसको हमें मार्जिन लेफ्ट लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग इसको यहीं दे देता हूँ, जैसे मार्जिन लेफ्ट 20, 20 के अभी 15 कर लो, और फॉन्ट साइज 16, परफेक्ट ओके भाई, ठीक है। तो ये तो हमारा ऊपर का एरिया हो गया लिंक्डइन के अंदर। अब उसके नीचे एक व्यू और बनता है, और उस व्यू के अंदर में फोटो वीडियो टेम्पलेट इवेंट इनको रखना है। तो मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है एडिट बॉक्स का, इसको यार मैं ना वाइट ही रखने वाला हूँ। रीजन क्या है अभी बताता हूँ, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, सेम सेम सेम, ठीक है। और इसका जो जो हमने ये बॉर्डर बॉटम वगैरह ये यूज़ करा है ये वाला, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और बॉटम की जगह पे मैं टॉप भी कर दे रहा हूँ, जिससे हमारा ऊपर वाला जो व्यू बना है उसमें एक बॉर्डर आया है। अब आप कह सकते हो कि लगभग सेम हो गया ये, ठीक है। और जो हमारे आइकन है, जो हमने आइकन दिया, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, टिंट कलर, ये भाई अब ये बिल्कुल परफेक्ट देखा, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, क्या हो गया, ठीक है अब ये परफेक्ट लग रहा है ओके। तो ये तो हमारा सही हो गया, एक व्यू और बनाना है इसके बाद। तो एक व्यू हमें कैसे करेंगे हम, सेम कॉपी कर लो, या फिर एक व्यू अलग से बना ही लेते हैं, स्टाइल पोस्ट टाइप, स्टाइल्स डॉट पोस्ट टाइप होगा ना, तो स्टाइल्स डॉट पोस्ट टाइप। आज बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग टाइपिंग हो रही है मुझसे, हो सकता है ठंड की वजह से, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउटसाइड में हूँ थोड़ा सा, तो ओके। तो इस पोस्ट टाइप को मैं यहाँ पे इस तरीके से दे दूंगा। इसको सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो देना है, और अलाइन आइटम्स को हमें सेंटर करना है, और जस्टिफाई कंटेंट को हमें स्पेस इवनली देना है, और विथ ये 100%, हाइट 50, और बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर बॉटम विथ, तो ये तीनों कॉपी कर लो इस तरीके से। तो चलते हैं इसके अंदर, चल के हमें देने हैं टचेबल ओपेसिटी, और इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर हमें स्टाइल स्टाइल स्टाइल्स डॉट पोस्ट टैब, क्यों, क्योंकि ये टैब है जिस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज वाली पोस्ट के लिए हम चल देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया, बिथ को मैंने 40, हाइट 40, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो मुझे यहाँ पे आई थिंक विथ नहीं देने की जरूरत है, इस तरीके से रखते हैं, ठीक है ओके।
तो इसके बीच में मैंने टचेबल ओपेसिटी लिया। सबसे पहले मुझे इमेज रखना है, और इमेज के अंदर सोर्स सोर्स और सोर्स के अंदर रिक्वायर, इसके अंदर रिक्वायर के बाद मैंने इमेजेस, इमेजेस में मुझे पहले फोटो, आई थिंक फोटो डॉट पीएनजी है, डॉट पीएनजी, और इस फोटो को जो आइकन देना है वो सेम वही आइकन वाली स्टाइल देनी है। तो मुझे स्टाइल्स डॉट आइकन नहीं देना, मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आइकन टू कर लो, क्योंकि आइकन में हमने टिंट कलर यूज किया हुआ और हमें यहाँ पे टिंट कलर यूज नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आइकन टू विथ 24 हाइट 24, ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मुझे एक टेक्स्ट देना है, वो टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे लिखना है फोटो वीडियो, इस तरीके से। और इस टेक्स्ट को यहाँ पे डायरेक्टली स्टाइल दे देता हूँ मैं, मार्जिन लेफ्ट 10, बस इतनी सी स्टाइल। ओके, अब बस ये वाला जो टचेबल ऑपोसिट, इसको कॉपी करो 2 बार, और एक में फोटो हो गया। फोटो के बाद हमें चाहिए एक टेम्पलेट, आई थिंक, तो टेम्पलेट देखते टेम्पलेट नाम का आइकन है कि नहीं है, नहीं है तो लेआउट। ठीक है, लेआउट आ गया, और लेआउट में यहाँ पे हम इसको क्या दे सकते हैं, कहाँ गया लेआउट, तो इसका टेक्स्ट में देना पड़ेगा टेम्पलेट। ठीक, और फिर है हमारा इवेंट, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा इवेंट टेम्पलेट का टी कैपिटल। तो भाई देखो, हमें इस तरीके से ये हमें 3 मिल गया। तो आप देखोगे, जब आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा कि आपको यहाँ पे जो जो हमारा व्यू है, जो हमने बनाया है लिंक्डइन को देख के, तो आपको लगभग लगभग ये सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो 1 सेकेंड, ओके, तो आगे की जो डिजाइन है, आगे की जो भी चीजें हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, और काफी सिमिलर लगा होगा आपको लिंक्डइन की तरह। ठीक है, तो हम इसको लिंक्डइन को बनाने वाले हैं, आगे हम डेटाबेस भी कनेक्ट करेंगे फायरबेस का, बहुत सारी चीज़ें करेंगे इसके अंदर, पूरा पोस्ट करेंगे, पोस्ट के टाइप्स रखेंगे, हम वीडियो भी पोस्ट करेंगे, है ना, टेम्पलेट की तरह, थोड़ा सा टेस्ट भी करेंगे, और यहाँ पे इवेंट भी करेंगे, ये सारी चीज़ें, जॉब्स पोस्ट करेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे, मैसेजिंग कराएंगे, तो सारी चीज़ें होंगी। तो जो चीज़ें आपने पिछले वीडियोज़ में नहीं सीख पाई हैं, या फिर मिस हो गई, या समझ में नहीं आई, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अभी कभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलता हूँ, बाय।